बिजनेस वैल्यूएशन, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? मर्जर एंड एक्विजिशन। जैसे मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन स्टार्ट करवाया था प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए, सीखने के लिए, जिसमें हमने दो कंपनी लिया था, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, उसका अर्निंग्स देखा, गिवन था नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, गिवन था ईपीएस, गिवन था पी रेशियो, गिवन था एमपीएस, गिवन था रिजर्व एंड सरप्लस, गिवन था फेस वैल्यू, गिवन था। फिर पहला तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में देखा था व्हाट इज द शेयर एक्सचेंज रेशियो, तो हमने कहा कि ट्रांसफरर कंपनी के एक शेयर के बदले ट्रांसफरी कंपनी अपने कितने शेयर्स देगी, वो रेशियो ही क्या कहलाएगा, शेयर एक्सचेंज रेशियो। जानते हैं ना ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, कंफ्यूजन तो नहीं होता ना किसी को? ट्रांसफरर जो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर कर रही है, जो अब क्लोज हो जाएगी, ट्रांसफरी जो न्यू कंपनी है, ट्रांसफरी न्यू कंपनी, ओके, जो पीसी देगी, पे करेगी, जो पेमेंट करेगी, ओके। कैलकुलेट शेयर एक्सचेंज रेशियो, ये भी हमने देखा था ईपीएस के बेसिस पे, एमपीएस के बेसिस पे और बुक वैल्यू पर शेयर के बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करना, तो क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है बेसिस। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं, ये था सेकंड क्वेश्चन ना, नाउ थर्ड वन, बुक वैल्यू भी कैलकुलेट करना सीखा था कि बुक वैल्यू कैसे आएगा, नहीं फेस वैल्यू वर्सेज इक्वल्स टू बुक वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे बुक वैल्यू का मतलब हो गया नेटवर्थ, यहाँ पर आयुषी बुक वैल्यू का मतलब हो गया नेटवर्थ, फेस वैल्यू तो सिर्फ शेयर का फेस वैल्यू होता है, नॉमिनल वैल्यू होता है, यहाँ पर बुक वैल्यू का मतलब हो गया नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। हाँ बोलिए, हमने जब बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करी तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा, राइट? हाँ, तो सर फेस वैल्यू क्यों इक्विटी शेयर ईपीएस लेना चाहिए था ना? फेस वैल्यू क्यों लिया यहाँ पे सर? मतलब फेस वैल्यू क्यों लिया? बैलेंस शीट में लाइब्रेरी साइड में क्या आता है, हमको ये तीन आइटम लेने थे ना, दिस वन एंड दिस वन, तो इक्विटी प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस, तो इक्विटी के सामने कौन सा कैपिटल, यहाँ पे कौन सा कैपिटल आता है? पेड अप कैपिटल ही तो आता है, अकाउंट में पढ़ा है ना अपने कि अकाउंट में इक्विटी शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट में लाइब्रेरी साइड में कौन सा कैपिटल आता है? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू में से अगर पार्टली पेड अप हो तो जैसे 10 रुपए फेस वैल्यू है, 8 रुपए पेड अप हो तो 8 रुपए आ जाएगा, और फुल्ली पेड अप है तो पूरे 10 रुपए आ जाएंगे, तो अभी पार्टली पेड अप जैसा सीन तो कुछ था नहीं, तो पूरा फुल्ली पेड अप पूरे 10 रुपए के बेसिस पे अपने यहाँ पे काउंट किया। ओके आयुषी, चलिए हाँ जो भी डाउट्स हो पूछ लेना चाहिए। नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर, इसी क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, थर्ड नंबर कैलकुलेट शेयर एक्सचेंज रेशियो, अगेन कैलकुलेट शेयर एक्सचेंज रेशियो, कैलकुलेट शेयर एक्सचेंज रेशियो इफ वेटेज ऑफ शेयर एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करने में आप क्या करेंगे, वेटेज लेंगे, अलग अलग वेट लेंगे, किस किस का, ईपीएस का भी रोल रख रहे हैं, एमपीएस का भी रोल रख रहे हैं, बुक वैल्यू पर शेयर का भी रोल रख रहे हैं, तो इफ वेटेज ऑफ 50%, 30% एंड 20% विल बी गिवन टू EPS, MPS and book value per share respectively. हाँ जी, calculate share exchange ratio. पहले हमने अलग अलग बेसिस पे निकाला ईपीएस एमपीएस बुक वैल्यू पर शेयर, और अब हम क्या कर रहे हैं, दस बार इन तीनों का कंबाइंड बेसिस, कंबाइंड बेसिस में भी क्या, सबको अलग अलग वेट दिया, ईपीएस को वेट दिया 50% का, एमपीएस को वेट दिया 30% का, और बुक वैल्यू को वेट दिया 20% का। हाँ राधिका, ओके हाँ ठीक है, ओके, तो देखो कैसे आएगा, कैसे आएगा, तो मैंने लिखा कैसे करेंगे सर सॉल्व इसको, मैंने कहा सबसे पहले अपन ले लेते हैं बेसिस,
किन किन बेसिस को इन्वॉल्व करना है, ईपीएस को करना है, एमपीएस को करना है और बुक वैल्यू पर शेयर को करना है। बड़ा आसान है, तीनों के बेसिस पे अपने कैलकुलेट कर रखा है ना। तो जब कभी भी ऐसा आए ना कंबाइंड वाला, तो सबसे पहले तो तीनों के बेसिस पर एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट कर लो। तीनों के बेसिस पर एक्सचेंज रेशियो जो कि आपने कल कर रखा था कल वाली क्लास में। ईपीएस कितना था सर? ईपीएस के बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो था 1.2, ओके। एमपीएस के बेसिस पे था 0.8 और बुक वैल्यू के बेसिस पे था 1.059। ये तीनों हम लिख लेते हैं। तो ईपीएस के बेसिस पे था 1.2, एमपीएस के बेसिस पे था 0.8 और यहां था 1.059। अब मैं इनको इनका वेट दे देता हूं, वेट असाइन कर दिया मैंने, वेटेड एवरेज, जस्ट लाइक वेटेड एवरेज। तो वेट कितना, 50% तो 0.50, 30% 0.30, 20% 0.20। सो एक और कॉलम, वेट इनटू एक्सचेंज रेशियो। जैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट नहीं निकाला करते थे, डब्ल्यूएसीसी सिग्मा डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू कॉस्ट एक्स, तो डब्ल्यू एक्स करते थे, वैसे यहां पर भी वेट इंटू एक्सचेंज रेशियो इंटर में निकाला करते थे ना डब्ल्यूएसीसी। तो 1.2 इंटू 5 कितना, 0.6, हम भी इनको वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0.24। एंड लास्ट वन कितना है बताओ, हाँ लास्ट वन कितना है बताओ, 0.6, 0.24, देन लास्ट वन इज 0.2118, ओके 0.2118। तो अब इसका टोटल करके देख लो कितना आ रहा है, इसका टोटल करके देख लो कितना आ रहा है, 1.0518, ओके। तो एक्सचेंज रेशियो आ गया हमारे पास, सिंपल। सो एक्सचेंज रेशियो इज 1.0518:1, हर एक शेयर के बदले 1.0518 शेयर्स दिए जाएंगे। तो अगर आपको वेटेज के बेसिस पे करना हो, ईपीएस एमपीएस और बुक वैल्यू पर शेयर, तो पहले ईपीएस के बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो निकालना होगा, एमपीएस के बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो निकालना होगा, बुक वैल्यू पर शेयर के बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो निकालना होगा और फिर उस एक्सचेंज रेशियो का वेटेड एवरेज कर देना होगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, लिखा ट्विंकल यहां तक, तो क्वेश्चंस पे के बेसिस पर ही हम सीखते चल रहे हैं कि किस तरीके से इनको डील करना है। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, व्हाट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन, व्हाट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन of each company, what is the market capitalization of each company, दोनों कंपनी का आपको market capitalization बताना है। क्या बता सकते हैं दोनों कंपनीज का market capitalization, A limited और B limited का market capitalization? सर market capitalization होता क्या है पहले ये बताओ, शायद आप नहीं जानते। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब टोटल मार्केट वैल्यू और कुछ नहीं, टोटल मार्केट वैल्यू। अब टोटल मार्केट वैल्यू कैसे आएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने इश्यू कर रखे हैं मल्टीप्लाइड बाय एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू एमपीएस, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब टोटल मार्केट वैल्यू। अब एक शेयर का मार्केट प्राइस जो होगा उसको अगर मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। तो अभी मैं देखता हूं ए लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, ए लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स थे सर 10 लाख और एक शेयर का प्राइस क्या था 75, 10 लाख शेयर इंटू 75, तो टोटल मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, और यहां पे 5 लाख इंटू 60, ओके महिमा।
तो 10 लाख इंटू तो 75 करते हैं, चलो। हाँ जी, 10 लाख शेयर्स इंटू मार्केट प्राइस 75, तो ये हो गया 750 लाख। 750 लाख, ओके। और उसके बाद क्या करने का, यहां पर 5 लाख शेयर्स और मार्केट रेट गया 60, तो 5 लाख इंटू 60 कितना, 300 लाख। हाँ दीपिका, वापस सुन लो, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब सिंपली मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब टोटल मार्केट वैल्यू और कुछ नहीं। अब टोटल मार्केट वैल्यू कैसे आएगा, जितने भी शेयर्स इश्यू कर रखे हैं कंपनी ने उसको एमपीएस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगा बस। तो नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड इनटू एमपीएस, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड और एमपीएस आपको क्वेश्चन में गिवन है दीपिका। ए लिमिटेड ने 10 लाख शेयर इश्यू कर रखे हैं और मार्केट रेट कितना 75, तो 10 लाख इंटू 75 750, और 5 लाख इंटू 60 कितना 300। ओके, तो आप चाहें तो 750 लाख, लाख वर्ड ना लिख के 00000 भी लगा सकते हैं और आगे, और आप चाहें तो कैलकुलेटर पे 00000 से डिवाइड करके, 1 लाख से डिवाइड करके ऐसा 750 लाख भी लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें। दीपिका समझ में आया अभी तो, कुछ नहीं था इसमें, बोलो यस और नो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू एमपीएस, बस और कुछ नहीं किया, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब टोटल मार्केट वैल्यू। दीपिका लगता है अभी भी इश्यू है उसके, कोई ना। पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ ए लिमिटेड, पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ ए लिमिटेड, आपको ए लिमिटेड का ईपीएस बताना है पोस्ट मर्जर। पोस्ट मर्जर मतलब बी लिमिटेड को खुद में मर्ज करने के बाद, आफ्टर मर्जर ऑफ बी लिमिटेड, है ना, मर्ज करने के बाद आपको ए लिमिटेड का ईपीएस बताना है। ओके, पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ ए लिमिटेड, इसके लिए आप एज्यूम कर लेना, एज्यूम क्या करना, एक्सचेंज रेशियो, हाँ जी 5 लाख था ना, एक बार 5 लाख को 1.0518 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, 5 लाख को 1.0518 से, 1.0518 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, 5 लाख इंटू 1.0518 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, 525,900। ओके ठीक है, चलने दो, कोई बात नहीं, ऐसे ले लेते हैं। पोस्ट मर्जर ईपीएस आपको बताना है, एज्यूम क्या करना, एज्यूम एक्सचेंज रेशियो आप एज्यूम कर लेना क्या, 1.0518:1, 1.0518:1। अगर आप बी लिमिटेड के हर एक शेयर के बदले आप 1.0518 शेयर्स देते हैं, तो आपका ए लिमिटेड का मर्जर के बाद ईपीएस क्या हो जाएगा, मर्जर के बाद ईपीएस क्या हो जाएगा, पोस्ट मर्जर ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर आफ्टर मर्जर। ठीक है सर, देखते हैं। इसके लिए आप देखो, पहले तो ये बताओ पोस्ट मर्जर ईपीएस के लिए अपने को क्या जानना होता है, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स कितनी है, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स कि बी लिमिटेड को एक्वायर करने के बाद ए लिमिटेड की अर्निंग्स कितनी होगी। तो मैंने देखा पोस्ट मर्जर अर्निंग्स में ऐसा है कि अभी ए लिमिटेड की अर्निंग्स कितनी है, अभी ए लिमिटेड की अर्निंग्स है 50 लाख, अभी ए लिमिटेड की अर्निंग्स है 50 लाख, और बी लिमिटेड की अर्निंग्स है 30 लाख।
जब बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया जाएगा तो ये माना जाएगा कि अब अपनी अर्निंग्स 50 तो पहले ही थी, 30 और हो जाएंगी, तो 50 और 30 टोटल कितना हो जाएगा, 80 लाख रुपए हो जाएगा। प्लस अगर कोई सिनर्जी इफेक्ट क्वेश्चन में गिवन हो कि 2+2=5 तो उसको भी कंसिडर कर लेना, बट ऐसा कुछ सीन था नहीं, तो बस 50 और 30 80। तो पोस्ट मर्जर अर्निंग्स क्या हो गया, 50 लाख रुपए ए लिमिटेड का था और 30 लाख रुपए बी लिमिटेड का था। तो पोस्ट मर्जर अर्निंग्स 80 लाख रुपए, और यहां पर मैं एज्यूम नो सिनर्जी बेनिफिट, किसी भी तरह का सिनर्जी बेनिफिट अपने को नहीं मिला है क्योंकि क्वेश्चन वाले ने दिया ही नहीं, तो हमने मान लिया कि भैया कोई सिनर्जी बेनिफिट नहीं है। तो हमारी पोस्ट मर्जर अर्निंग्स कितना आया, 80 लाख रुपए। अच्छा एक बात बताओ, सिनर्जी मतलब कशिश उस दिन बताया था ना कि अगर मैं किसी चीज को धक्का दे रहा हूं और आप भी धक्का दे रहे हो, तो वो जितना फोर्स से आगे जाएगा, अगर हम दोनों मिलके धक्का दें उसी चीज को तो क्या होगा, वो ज्यादा स्पीड से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगर वैसे ही, हाँ, अगर ये टाटा अंबानी मिल जाए तो क्या होगा, क्या ये अपना जितना काम कर रहे हैं उतना ही कर पाएंगे या उससे भी ज्यादा कर पाएंगे, एक्स्ट्रा कर पाएंगे, ज्यादा कर पाएंगे? यस, ज्यादा कर पाएंगे, बहुत ज्यादा कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि सिनर्जी इफेक्ट मतलब दो कंपनीज मिल जाती हैं तो केवल उतना ही नहीं कर पाती जितना वो कर पा रही है। मान लीजिए मैं अकेला, मेरी कंपनी है, मैं 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, और एक ये सौरभ की कंपनी है वो 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रही है, लेकिन अब हम दोनों अगर मिल जाते हैं ना तो हम 1 और 1 2 लाख यूनिट्स ही नहीं, हम ज़्यादा यूनिट्स भी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो सिनर्जी इफेक्ट मिल जाता है कभी कभी। तो हमने इस क्वेश्चन में माना है किसी तरह का कोई सिनर्जी इफेक्ट नहीं है, तो मिलने के बाद कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। 50 लाख की मेरी अर्निंग्स थी, इसकी 30 की थी, अब हमारी हो जाएगी टोटल 80 लाख की। अब पोस्ट मर्जर अर्निंग्स तो देख लिया, अब मुझे ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स भी चाहिए होते हैं, तो मेरे को ये देखना है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे आफ्टर मर्जर, आफ्टर मर्जर ए लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे। तो इसके लिए मुझे पहले ये जानना होगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इश्यूड टू बी लिमिटेड, ये बी लिमिटेड को आपने कितने शेयर्स इश्यू किए थे। मैंने कहा देखो जी, हर एक शेयर के बदले मैंने बी को कितना दिया, 1.0518 दिया, और बी लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 5 लाख शेयर्स थे, हर एक के लिए 1.0518 दिया, तो 5 लाख के बदले कितना दिया होगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूड टू बी लिमिटेड, बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूड टू बी लिमिटेड, 525900। हाँ जी, इसीलिए मैंने आपसे ये कैलकुलेट करवाया था, 525900। तो हर एक शेयर के लिए हम क्या दे रहे हैं, 1.0518, तो बी लिमिटेड की टोटल शेयर्स थे 5 लाख। क्वेश्चन में जाके देखो बी लिमिटेड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने इशू कर रखे थे, हमने उनको हर एक शेयर के बदले 1.0518 दिया, तो टोटल 5 लाख के बदले कितना दे दिया, 5,25,900। नाउ ये बताओ पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड, ए लिमिटेड ने क्योंकि बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया है तो अभी उसके शेयर्स कितने हो जाएंगे। यस आयशी, यस सौरभ, सर 10 लाख तो पहले ही थे ए लिमिटेड के, अभी उसने बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को 5,25,900 शेयर्स और इश्यू कर दिए, तो अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड हो गए हैं 15,25,900 शेयर्स। हाँ दीपिका, कशिश, 15,25,900 शेयर्स। तो बस अब पोस्ट मर्जर ईपीएस निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है, पोस्ट मर्जर ईपीएस
फॉर्मूला क्या, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पोस्ट मर्जर अर्निंग्स इंक्लूडिंग सिनर्जी इफेक्ट डिवाइडेड बाय पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर मर्जर। ओके दीपिका, और कोई? सो पोस्ट मर्जर अर्निंग्स तो था सर 80 लाख, और पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स कितना, 15,25,900 शेयर्स। बताइएगा ₹5.248 आ रहा है क्या पोस्ट मर्जर ईपीएस? तो बी लिमिटेड को एक्वायर करने के बाद ए लिमिटेड का ईपीएस क्या होगा? टोटल अर्निंग्स आफ्टर मर्जर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, 2428 आ रहा है। कशिश कह रही है 2428, और कोई? ठीक है आयुषी दीपिका 2428। बस किसी को इसमें डाउट है तो बोल सकता है पोस्ट मर्जर ईपीएस के अंदर, पोस्ट मर्जर ईपीएस में किसी को डाउट हो तो बोल सकता है। सर ये पोस्ट मर्जर अर्निंग्स वापस बता दो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाई, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स तो भैया ए लिमिटेड कमाता था 50 लाख और बी कमाता था अपने लेवल पे 30, जब दोनों मिल जाएंगे तो कितना कमाएंगे 80। सिंपल, एक ए की अर्निंग्स थी 50, बी की अर्निंग्स थी 30, दोनों ने मिला तो बस 80 हो गया। सिंपल, बड़ा आसान है ना। ओके हाँ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कोई पूछे तो फिर भी समझ में आएगी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ए के थे 10 लाख, बी के 5 लाख नहीं लेना, आपने बी को कितने शेयर्स दिए वो लेना ना, कि ए लिमिटेड ने बी को कितने शेयर इशू किया। तो 10 और 5 अगर ऐड कर दो तो गलत हो जाएगा, 10 लाख प्लस 5 लाख के बदले आपने उनको कितने दे दिए, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्ट करेंगे अब। ओके नेक्स्ट, सिक्स नंबर पोस्ट मर्जर एमपीएस, पोस्ट मर्जर एमपीएस ऑफ ए लिमिटेड और एक्सचेंज रेशियो वही लेना है ना। एज्यूम एक्सचेंज रेशियो इक्वल्स टू 1.0518:1 पोस्ट मर्जर एमपीएस कैलकुलेट करना। अब किसी किसी के मन में आ रहा होगा सर ये हमें ना ऐसे कैलकुलेट करते हैं क्या, कैसा? कि जैसे पोस्ट मर्जर ईपीएस निकाला था, अर्निंग्स का टोटल कर दिया था, वैसे इस बार हम क्या कर देते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना ना, तो मार्केट वैल्यू का टोटल कर देते हैं। मार्केट वैल्यू का टोटल सर ये रहा, करना मत, मार्केट वैल्यू 750 और 300 इनका टोटल कर देते हैं, 750 300 हो जाएगा सर 1050 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइड बाय पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स, तो 1050 डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 1,525,900। ऐसा नहीं करना है। तरीका तो ये भी हो सकता था, बट ऐसा बिल्कुल मत करना कि टोटल मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ना इसमें ऐसा नहीं करना ना। तो कैसा करेंगे सर, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ वही करना है राधिका, वही करना है। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है सर? ईपीएस इंटू पी रेशियो, तो उसी को यूज करना ना अपने मॉड्यूल में वगैरह में, सब जगह ऐसा ही होता है, इसलिए अपने को भी ऐसा ही करना। पोस्ट मर्जर एमपीएस इक्वल्स टू पोस्ट मर्जर ईपीएस
इनटू पी रेशियो। सर पी रेशियो किसका लें, ए का लें कि बी का लें? मैंने कहा एग्जिस्ट कौन कर रहा है अब, ए कर रहा है कि बी कर रहा है? बोलो, ए ने बी को टेक ओवर कर लिया, बी तो खत्म, पी रेशियो किसका लेंगे? हाँ जी ए का लेंगे, क्योंकि पोस्ट मर्जर एमपीएस भी किसका देख रहे हैं? ए का देख रहे हैं। तो हम ये मान रहे हैं पी रेशियो किसका लेना होगा अभी सर? ट्रांसफरी कंपनी का लेना होता है। पी रेशियो किसका लेना होता है? ट्रांसफरी कंपनी का लेना होता है। और हम ये मान रहे हैं इस पी रेशियो में किसी तरह का, क्वेश्चन ने तो कुछ बोला नहीं ना, तो हम ये मान लेंगे कि कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन बोलेगा तो चेंज दे लेंगे, वरना हम ये मानेंगे पी रेशियो में कोई चेंज नहीं है। सो पोस्ट मर्जर ईपीएस आया था अपना 5.2428 पोस्ट मर्जर ईपीएस। पी रेशियो कितना था सर ए कंपनी का, ए लिमिटेड का पी रेशियो था 15 टाइम्स, ये रहा पी रेशियो था 15 टाइम्स, तो यही ले लेंगे ए लिमिटेड का 15 टाइम्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 15 ईपीएस इनटू पी रेशियो दैट इज एमपीएस। चेक करके बताओ कितना आया पोस्ट मर्जर एमपीएस 5.2428 इंटू 15, ओके इट इज 78.642। ठीक है दीपिका आयुषी, 78.642। तो पोस्ट मर्जर एमपीएस इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा, ईपीएस पोस्ट मर्जर ईपीएस इंटू पी रेशियो। बोलो आया समझ में यहां तक? हाँ ओके दीपिका, कशिश, आयशी, बड़ा आसान लग रहा है ना, बड़ा आसान लग रहा है, काफी आसान है। हाँ और 30 मार्क्स का और है, सोचो 30 मार्क्स का चैप्टर है ये और इतना आसान आसान पूछा गया है। चलिए अब बताइए लग रहा है या है सर, बस आगे भी ऐसा ही हो। हाँ नहीं है, एक्चुअली आसान है, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग भी है, बोर भी नहीं होते इनमें, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बोर भी नहीं होते हैं। और सेट पैटर्न के नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उन्हीं क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाती है। चलिए अब बताइए नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड बाय ए लिमिटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड। To the shareholders of B Limited, so that EPS of A Limited, EPS of A Limited remain same, remain same. As before, आपको ये बताना है कि कितने शेयर्स इश्यू करें कि ईपीएस का जो ए लिमिटेड का ईपीएस है पहले जितना था उतना ही बाद में रह जाए, प्री मर्जर जितना था उतना ही आफ्टर मर्जर रह जाए। मैंने कहा अच्छा ए लिमिटेड का ईपीएस कितना था देखें तो जरा, ए लिमिटेड का ईपीएस था ₹5, ओके ₹5। ये चाहता है आगे भी इसका ईपीएस क्या रहे, ₹5 रह जाए। हाँ जी ₹5 ईपीएस बोला ना आयुषी, हाँ 6 लाख बता रही है, अच्छा ठीक है आयुषी, हाँ वेरी गुड। तो ईपीएस इसका सेम रह जाए, इसके लिए हम क्या करें, कितने शेयर्स इश्यू करें, ठीक है देखेंगे। अच्छा एक और लिख लो साथ ही साथ, अगर ऐसा आ जाए कि बी लिमिटेड की टोटल अर्निंग्स सेम रह जाए, बी लिमिटेड की टोटल अर्निंग्स सेम रह जाए, बताइए कितने शेयर इशू करें। मैंने कहा अभी टोटल अर्निंग्स में अर्निंग्स कितनी है,
मेगा 5 लाख शेयर है और 6 रुपए कमाती है हर शेयर पे, मतलब 30 लाख रुपए कमाती है। हम चाहते हैं कि बी लिमिटेड की टोटल अर्निंग्स क्या रहे आफ्टर मर्जर भी, बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स की टोटल अर्निंग 30 लाख रुपए ही रहे। अभी 30 लाख कमाते हैं ना बी लिमिटेड के शेयर होल्डर, फिर बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को आप ए लिमिटेड क्या करेगी, अपने शेयर दे देगी। तो हम ये जानना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि कितने शेयर इशू करें कि बी लिमिटेड के शेयर होल्डर जब ए लिमिटेड के शेयर होल्डर बन जाएंगे तो भी उन लोगों का अर्निंग्स क्या रहे, सेम रहे। इस बार ईपीएस नहीं बोल रहा, इस बार मैं क्या बोल रहा हूँ, अर्निंग्स बोल रहा हूँ कि बी लिमिटेड का टोटल अर्निंग्स सेम रह जाए। हाँ दीपिका, 6 लाख नहीं 50 लाख नहीं सौरभ, 6 लाख, दोनों का आंसर सेम है, 6 लाख ही है। हाँ सर ये तो सेम ही होगा, नहीं आयुषी, अगर आप 5,25,900 शेयर्स देते हो तो आपका टोटल अर्निंग सेम नहीं आएगा ना। हाँ टोटल अर्निंग्स कितना है, 50 लाख नहीं है सौरभ, टोटल अर्निंग्स कितना है सोचो। हाँ 30 लाख, 30 लाख है टोटल अर्निंग्स, बी लिमिटेड की अर्निंग्स कितनी है 30 लाख, 5 लाख शेयर इंटू 6 रुपए 30 लाख रुपए। तो आगे जाकर जब ये ए लिमिटेड के शेयर होल्डर बन जाएंगे ना तब भी इनका अर्निंग्स कितना रहे, 30 लाख रुपए ही रहे, 30 लाख रुपए ही रहे, कुछ इतना कुछ ऐसा बताना है, जुगाड़ बैठाना है। हाँ जी 6 लाख शेयर्स, देखो कैसे होगा। ये एक और क्वेश्चन लिख लो, और चाहे ये क्वेश्चन आ जाए चाहे ओके सेम क्वेश्चन डिफरेंट वे में पूछा आपने, यस, चाहे ये क्वेश्चन आ जाए चाहे ये क्वेश्चन आ जाए, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड बाय ए लिमिटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड, सर मतलब 5 लाख होल्डर की अर्निंग देखनी है सेम। हाँ सौरभ, हाँ उन 5 लाख शेयर्स के आपने नए कंपनी में कितने शेयर्स दे दिए होंगे फिर उसके बेसिस पर उनकी टोटल अर्निंग्स 30 लाख होनी जरूरी है। अभी देखते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड बाय ए लिमिटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड सो दैट अर्निंग्स ऑफ बी लिमिटेड earnings of B limited remain same as before, earnings of shareholders of B limited लिख लेना, earnings of shareholders of B limited remain same as before। हाँ बोलिए सर, आप पहले जो कुछ लिखा है तो मतलब ये लिखा हुआ है सौरभ, आवाज नहीं आ रही है, एक बार मैसेज से पूछो ना, आवाज गूंज रही है। EPS of A limited remains same as before, EPS कितना था 5 रुपए, आगे भी कितना रखना है 5 रुपए रखना है। टोटल अर्निंग्स B limited की कितनी थी 30 लाख रुपए, आगे भी कितनी रखनी है 30 लाख रुपए रखनी है। कुछ ऐसे शेयर्स बताओ कितने शेयर इश्यू करे A limited B limited के शेयर होल्डर्स को कि EPS A का तो 5 रुपए जो पहले था वही रहे और B limited के शेयर होल्डर्स की जो अर्निंग्स थी 30 लाख रुपए वही रह जाए। सर पहले वाली लाइन में लिखा है ए लिमिटेड ईपीएस है, दूसरी में लिखा है, दूसरी में ये क्लियर नहीं हो रहा, दूसरी मिस्टर, अब तो हो गया ना सौरभ, दूसरी मिस्टर बिलेटेड लिखा, नो क्यों, उसमें दोनों में क्या फर्क है, पहले में लिखा ईपीएस रहे ए लिमिटेड का सेम,
तो ए लिमिटेड का ईपीएस कितना था? ए लिमिटेड का ईपीएस कितना था सौरभ, बताओ, देख के बताओ। अभी ए लिमिटेड का ईपीएस कितना है सौरभ? अभी ए लिमिटेड का ईपीएस कितना है? 5। बस, तो हम चाहते हैं कि आगे भी जब बी लिमिटेड को एक्वायर कर ले उसके बाद भी ए लिमिटेड का ईपीएस 5 रहे। क्लियर हुआ ये वाला? तो उसके बाद भी ईपीएस कितना रहे? 5 रहे। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया जाएगा तो बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स अपने वहां 30 लाख रुपए टोटल कमाते थे, 30 लाख रुपए, 5 लाख शेयर्स के होल्डर हर शेयर पे 6 रुपए कमाते थे, 30 लाख, उन शेयर होल्डर्स को जब ए लिमिटेड के शेयर्स दे दिए जाएंगे, कितने शेयर्स देंगे वो देखेंगे ना, आपको बताने वो कितने शेयर्स दो कि उनका टोटल अर्निंग्स अभी भी कितना रहे? 6 लाख रह जाए। उनका टोटल अर्निंग्स अभी भी कितना रह जाए? 6 लाख रह जाए, सॉरी 30 लाख रह जाए। उनका टोटल अर्निंग्स अभी भी कितना रह जाए? 30 लाख रह जाए। बोलो सौरभ, अभी समझ में आया क्या? पहला बोल रहा है कि ए लिमिटेड का ईपीएस 5 रह जाए और दूसरा बोल रहा है बी लिमिटेड का टोटल अर्निंग्स 30 लाख रह जाए। हाँ, बट फिर अर्निंग्स ऑफ रिजल्टिंग 80 होनी चाहिए। देखते हैं सौरभ, शायद तुमको आंसर करने से और समझ में आ जाए। देखो, बड़ा आसान है। अब इसमें क्या करना, इन बोथ द केसेस देखना सौरभ, जब भी ये दोनों केसेस आए ना, इन बोथ द केसेस अर्निंग या एक्सचेंज रेशियो शुड बी बेस्ड ऑन। एक्सचेंज रेशियो आपको किस पर बेस्ड रखना होगा? एक्सचेंज रेशियो शुड बी बेस्ड ऑन ईपीएस। एक्सचेंज रेशियो शुड बी बेस्ड ऑन ईपीएस सो दैट ईपीएस ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एंड अर्निंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बी लिमिटेड विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम एज बिफोर। तो अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसफरी कंपनी का ईपीएस पहले जैसा ही रह जाए, अगर आप चाहते हैं कि टोटल अर्निंग्स जो ट्रांसफरर कंपनी है उन शेयर होल्डर्स है का जो टोटल अर्निंग्स वो सेम रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ईपीएस के बेसिस पर एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप बताइए, ईपीएस के बेसिस पर एक्सचेंज रेशियो कितना था? क्या आपने कैलकुलेट कर रखा था? बेस्ड ऑन ईपीएस कर रखा था सर, फिर भी हम वापस कर देते हैं। याद है, ईपीएस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अपॉन ईपीएस ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। हाँ जी, 1.2। सो ईपीएस कितना था? बी का तो था 6 रुपए और ए का था 5 रुपए। तो आपने कहा था 1.2:1, हर एक शेयर के बदले 1.2 शेयर्स देंगे। सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बी को कितना इश्यूड होगा बताओ? सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूड टू बी लिमिटेड, बी लिमिटेड को आपने कितने शेयर इश्यू किए होंगे? बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को सर, बी लिमिटेड के शेयर्स थे कितने? 5 लाख शेयर्स, और हर एक शेयर के बदले आप 1.2 शेयर्स दे रहे हैं, तो कितना होएगा? 6 लाख शेयर्स, 6 लाख शेयर्स। तो आंसर आ गया भैया, अगर हम 6 लाख शेयर्स इश्यू कर देते हैं ना बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, तो ए लिमिटेड का ईपीएस भी चेंज नहीं होगा और बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स की टोटल अर्निंग्स भी सेम रह जाएगी। लेट्स चेक, चलिए चेक करते हैं जरा।
चलिए चेक कीजिए। कि ईपीएस क्या है? हाँ जी, पहले तो हम चेक करते हैं कि भैया ईपीएस क्या रहा, पोस्ट मर्जर ईपीएस, पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ ए लिमिटेड, हमको सेम रखना था ये, क्या सेम रहा पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ ए लिमिटेड। मैंने कहा पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स, ए लिमिटेड था 50 लाख, बी लिमिटेड की कमाई थी 30 लाख, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर क्या होंगे, ए लिमिटेड के शेयर्स थे कितने 10 लाख और बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को शेयर्स कितने दे दिए 6 लाख। 6 लाख शेयर्स दे दिए, ओके, ₹50, ₹30। जरा देखो आफ्टर मर्जर अर्निंग्स कितना हुआ 80 लाख और आफ्टर मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 16 लाख। क्या आफ्टर मर्जर ईपीएस ₹5 सेम रह गया? यस सौरभ, दीपिका, सेम रह गया ना। तो पहला टारगेट तो पूरा हो गया, बंदे ने पूछा था बताओ कितने शेयर इश्यू करें कि हमारा ईपीएस क्या रह जाए ए लिमिटेड का सेम रह जाए, तो मैंने कहा 6 लाख शेयर इश्यू कर दो जिससे आपका ईपीएस क्या रह जाएगा सेम रह जाएगा। हो गया काम, ईपीएस के बेसिस पे अपने कर दिया। समझ में आया यहां तक? हाँ जी, कोई सिनर्जी इफेक्ट था नहीं, सिनर्जी इफेक्ट होता तो देखते, सिनर्जी इफेक्ट होता ना तो कुछ और होता, देखते, ठीक है। उस केस में हाँ ईपीएस बेसिस में थोड़ा फर्क आ जाता, थोड़ा अलग आ जाता, मैं बताऊंगा। अभी तो क्या है, कोई सिनर्जी इफेक्ट नहीं है, नो सिनर्जी इफेक्ट, नो सिनर्जी इफेक्ट, है ना। वो तो अपन पहले से चल रहे हैं, तो अपन ये कुछ लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब यही है कि नो सिनर्जी इफेक्ट। सिनर्जी इफेक्ट होगा तो मैं बता दूंगा, ओके। एक और चीज चेक करनी, क्या होता क्या है सिनर्जी इफेक्ट, हे भगवान, तुमको धक्का देना पड़ेगा तब तुमको समझ में आएगा। ट्विंकल ट्विंकल, मैं अकेला तुमको धक्का दूं और हम सब मिलके तुमको धक्का दें, हम सब अलग अलग तुमको धक्का दें और हम सब एक साथ मिलके तुमको धक्का दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ सौरभ कह रहा है जल्दी गिरेगी। हाँ सर, बस वही सिनर्जी इफेक्ट होता है। ठीक है आयुषी, हाँ अभी सिनर्जी इफेक्ट मत भूलना, मैं तो नहीं दूंगी, महिमा कह रही है मैं नहीं दूंगी। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, तुमको नहीं मिलाएंगे, हम दो चार लोग काफी हैं। हाँ अब सुनो, अब मेरे को एक चीज और चेक करनी है फटाफट, मेरे को ये देखना है कि बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स, दोस्त है महिमा, अच्छा कब से जानती है तुमको। हाँ अब मुझे एक चीज और चेक करनी है, क्या चेक करना है सर, बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स का अर्निंग्स है वो सेम रहा कि नहीं रहा। ओके, अर्निंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड, पोस्ट मर्जर, मर्जर के बाद उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा, पोस्ट मर्जर, मर्जर के बाद उन लोगों के साथ क्या हुआ, अभी जब उसने बोला कि धक्का नहीं देगी, अच्छा तभी तभी दोस्त बन गई क्या, अच्छा ठीक है, हम तो दुश्मन बन गए फिर तो। सुनो अर्निंग्स ऑफ, हाँ लेकिन तुमको पता है ना जल में रहकर मगर से बैर नहीं करते, हाँ चलो देखो। हाँ देखो देखो फटाफट देखो, अर्निंग्स ऑफ शेयर होल्डर क्या हुआ होगा, दिमाग लगा के बताना, सोच के बताना, उन बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के साथ क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था सर, उसको ए लिमिटेड के शेयर्स दे दिए गए थे। अच्छा ए लिमिटेड के कितने शेयर्स दिए गए थे उनको बताओ फटाफट से, सर ए लिमिटेड के उनको शेयर्स दिए थे हमने 6 लाख, ओके, ए लिमिटेड के हमने उसको शेयर्स कितने दिए थे 6 लाख शेयर्स दिए थे, यस 1.2, हर एक के बदले 1.2, तो 6 लाख शेयर दिए ना, हाँ जी वेरीफाई तो कर रहे हैं, तो 6 लाख शेयर अगर देते हो और इन लोगों का अर्निंग्स कितना है आफ्टर मर्जर,
ए लिमिटेड के तुमको शेयर दे दिए गए 6 लाख और ए लिमिटेड का पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना है? 5 रुपए है। तो 6 लाख इंटू 5 कितना होता है? 30 लाख रुपए। तो मुझे बताओ क्या इनका अर्निंग सेम रहा कि नहीं रहा? बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो गया? अब पूरा क्लियर हो गया। हाँ सौरभ, क्या बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं सर, कोई नुकसान नहीं हुआ। ईपीएस ट्रांसफरी कंपनी का ईपीएस भी सेम रह गया, सेम एज बिफोर, पहले जितना था उतना ही रह गया। और टोटल अर्निंग्स बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स की भी सेम रह गई, सेम एज बिफोर, पहले भी 30 लाख थी और अभी नई कंपनी में जब उनको शेयर्स दिए गए तो भी 30 लाख ही उनका अर्निंग्स बैठ रहा है। हमने उनको 6 लाख शेयर्स दे दिए और हमारी कंपनी का शेयर ईपीएस क्या है? 5 रुपए। तो 6 लाख इंटू 5, 30 लाख। डन। बोलो जी। ओके डन। चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है। आयशी, दीपिका, सौरभ, डन डन। ठीक है ठीक है, चलो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। आराम से इनको सोचना और फिर बात करेंगे कल। ओके थैंक यू।